गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स आर डे 4 हियर इन सोनप्रयाग। एक दिन तो हमने पूरा दिन आराम किया। कुड़ी गली, अरे कुड़ी गली, थैंक्स टू प्रियंका एक दिन पूरा आराम किया। फिर उसके बाद कल और परसों का दिन तो केदारनाथ ट्रैक, मतलब परसों के दिन ऊपर गए, कल के दिन वापस आए। कल शाम को 6 बजे हम यहाँ पहुँचे। बाय द वे, अगर केदारनाथ ट्रैक का ब्लॉग देखा नहीं है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो ओवर हियर। अभी मत क्लिक करिए, पूरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद ये भी वीडियो देख लेना, बिकॉज केदारनाथ ट्रैक का एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगा। बाय द वे, आज की तारीख है 12 अक्टूबर 2020 एंड वी आर ऑल सेट टू लीव फ्रॉम हियर नाउ। अभी यहाँ से जाना है अगले डेस्टिनेशन पे, विच इज़ बद्रीनाथ। यहाँ से 210 किलोमीटर का राइड है। इट इज़ 9 o'clock राइड नाउ। सबसे पहले कुछ चैलेंजेस है अपने सामने। लुक एट वेयर द बाइक इज़ पार्क्ड। अभी ये सारे कार्स को निकाल के किस तरह से अपनी बाइक बाहर निकलेगी वो मुझे पता नहीं है। बिसाइड्स दैट, अभी चेन लूप करना है क्योंकि रेवाड़ी में लूप किया था, उसके बाद बहुत सा डिस्टेंस चल गई है तो चेन लूप भी करना है। तो सब करके ऑलमोस्ट आधा घंटा जाएगा। अराउंड 9:30 वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। नहीं, ब्रेकफास्ट भी होना है तो ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। बाय द वे, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आर चैनल। यू आर वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स, एंड इफ यू आर वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज ये जो राइड है इसका 7वां व्लॉग है शायद, आई एम नॉट मिसिंग द काउंट प्रोबली। तो ये उत्तराखंड ट्रिप बहुत सही चल रहा है। अगर आपने देखा नहीं है तो पूरा सीरीज़ देखिए, द लिंक टू दिस एंटायर प्लेलिस्ट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। पूरा सीरीज़ देखेंगे तभी आपको मज़ा आएगा यहाँ से आगे के ब्लॉग देखने के लिए। और इन फ्यूचर ऐसे मिस आउट नहीं करना है ना, तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एंड बाय द वे, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, वॉच इट टिल द एंड एंड शेयर इट विद ऑल द पीपल दैट यू नो। अभी फिलहाल ये सारे चैलेंजेस निपटाते हैं और बाइक पे मिलते हैं। बाय द वे, मैंने वो बिना सोल के शूज़ को यहीं पे बाय बाय कर दिया है, रूम में ही छोड़ दिए। अभी ट्रैकिंग शूज़ जो है वही पहन के यहाँ से आगे की राइड होगी। ये सब बातें आपको समझ में नहीं आएंगी अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे इस सीरीज़ में, इसीलिए कह रहा हूँ एवरीथिंग इज़ इन रिलेशन विद प्रीवियस वीडियोस। पूरी सीरीज़ देखो, ऐसे बीच में से आके एक ही वीडियो देखोगे ना मज़ा नहीं आएगा। मैंने कहा था ना सोनप्रयाग से वापस जाते वक्त इस रोड का थ्रिल दिखाऊंगा। ये रात में किया था सब, अंधेरे में, अभी देखने में सही मज़ा आएगा आपको। ये चारधाम के सारे रास्तों पर ये जो काम चल रहा है ऑल वेदर कनेक्टिविटी का, उसकी वजह से सारे रास्तों का यही हाल है। आप केदारनाथ आओ, बद्रीनाथ जाओ, गंगोत्री जाओ या यमुनोत्री जाओ, सब जगह पे रास्ते ऐसे ही है। तो भी अपने को बद्रीनाथ वाला रोड भी ऐसे ही मिलने वाला है। दिस इज कॉल्ड स्केटिंग एरेना, शाबाश। सो निकले तो थे केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए, लेकिन रास्ते में कहीं रुकना पड़ा क्योंकि ये देखो क्या बोलते हैं, नहीं जिंदगी के नहीं, केदारनाथ के किसी मोड़ पर फिर मिले रोड पर, जिंदगी के किसी मोड़ पर फिर मिलेंगे रोड पर। अरे मिली तो गए कहीं ना कहीं आंसर से मिलना ही था फिर से। बाय द वे, अभी मिले ना तो आंसर अकेले नहीं मिले, अभी देखो यहाँ पे और कौन कौन है। वन पर्सन इज हियर, इसको जानते हो, एक साल के बाद यही वो बंदा है जिसने टांग मार दी थी। इसके कार से आना था केदारनाथ, एक ही बात है, दो दिन पहले बोला मैं नहीं आ रहा हूँ। जब दोस्त पास होता है तो खुशी होती है, लेकिन जब दोस्त डिस्टिंक्शन में पास होता है तो ज्यादा खुशी होती है। बस क्या करे यार, तो भी दारू पियो, तो भी दारू पियो, डिस्टिंक्शन है तो डबल दारू। और हम दोनों के साथ और एक कोई आने वाला था इस राइड पे, जिन्होंने भी अपने व्लॉग में बोला भी था मैं भी हूँ इसमें, याद है आपको दापोली वाला व्लॉग, दापोली वाला व्लॉग याद है, मैं भी हूँ इसमें, आप भी छोड़ के चली गई हमको। अब हम तीन छोड़ के रह गई, छोड़ के तुम लोग गए, मतलब तो लास्ट थी, मतलब तीन जन साथ में आने वाले थे, तीन जन अलग अलग चल रहे, ये अलग लोगों के साथ, ये अलग लोगों के साथ और मैं अलग लोगों के साथ। बाय द वे, अलग लोगों का मतलब अलग, एक मिनट, ये केवल है, केवल ये तो विशाखा के साथ चल रहा है फ्रॉम अंकलेश्वर, राइट? अंकलेश्वर, या सो ये दोनों राइड करते हुए आए। आपने व्लॉग्स तो देखे ही होंगे, बिकॉज मैडम हर दिन व्लॉग कर रही है, हर दिन एडिट कर रही है, आई डोंट नो हाउ शी मैनेजेस दैट। मेरा तो एक व्लॉग एडिट हुआ है अभी तक, वो भी थैंक्स टू प्रियंका, वो एक दिन सोई थी उसके लिए मैंने व्लॉग एडिट कर लिया। बाय द वे, इवन समीर एंड विशाखा बोथ आर गोइंग अप टू केदारनाथ टुडे, यू गाइस आर फ्लाइंग, राइट? यस, हम उड़ के जा रहे हैं, मुझे ड्रोन में बैठ के जाना था, हम अभी बड़ा वाला ड्रोन में बैठ के जा रहे हैं। सो दीस गाइस आर फ्लाइंग बाय हेलीकॉप्टर, आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि विशाखा के व्लॉग्स आपने ऑलरेडी देखे होंगे। अपना व्लॉग आने में और एक महीना है, इसका व्लॉग दो दिन में आ जाएगा। तो हेलीकॉप्टर का राइड इधर एक्सपीरियंस करो, अगर ट्रैक एक्सपीरियंस करना है तो आपने पिछला व्लॉग देखा है, नहीं देखा है तो अभी जाके देखो, क्योंकि ट्रैक का एक्सपीरियंस अपने व्लॉग में मिलेगा। हैप्पी जर्नी, हैप्पी फ्लाइट सबको,
और हमें हैप्पी खड्डे यहाँ से बद्रीनाथ तक। तो शॉर्ट मीटअप तीनों के रास्ते अचानक से मिल गए बस कुछ पलों के लिए, बट देन दे हैड टू कंटिन्यू क्योंकि समीर और विशाखा दोनों के अपने अपने हेलीकॉप्टर के बुकिंग्स थे, तो उनको उनके टाइम स्लॉट में वहाँ पे पहुँचना था, तो वो भी निकल गए और हम भी चल दिए सीधा आके। अभी हम रुके हैं यहाँ पे उखीमठ में। उखीमठ बेसिकली इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप विंटर्स में अगर आते हो तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ और मध्य महेश्वर, ये चारों धाम जो है वहाँ की मूर्ति आपको उखीमठ में दर्शन के लिए मिलती है, क्योंकि विंटर्स में ये चारों प्लेसेस क्लोज्ड होती है और वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं उनको उखीमठ में लाया जाता है, तो विंटर्स में उखीमठ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। एनीवेज अभी हम जहाँ पे है यहाँ से चोपता इज़ अनदर 28 किलोमीटर्स, सो चोपता पहुँच के तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक करने का इनिशियल प्लान जो था, बट द थिंग इज कि कल और परसों दो दिन जो ट्रैक हुआ है 16-16-32 किलोमीटर का जो वॉक हुआ है, वी आर बोथ फीलिंग अ बिट टायर्ड, वी आर थिंकिंग कि चोपता मतलब तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक स्किप कर देंगे और सीधा बद्रीनाथ की तरफ बढ़ेंगे आज, तो प्रोबेबली विल कवर टिल जोशीमठ टुनाइट और कल फिर जोशीमठ से आगे बद्रीनाथ के लिए जाएंगे। नज़ारे बहुत खूबसूरत देखने मिलेंगे क्योंकि बनियाकुंड चोपता से चमोली तक का जो रूट है वो बहुत ही सीनिक है और डेंस जंगल्स में से जाता हुआ है। इट इज़ वी हैव रीच चोपता, यहाँ से तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक जाता है, बट इस बार हम उसको स्किप कर रहे हैं, फिर कभी आएंगे ज़रूर करेंगे तुंगनाथ चंद्रशिला। भाई क्या रूट है ये, लास्ट टाइम ये किया नहीं था मैंने, बट वैसे भी एक तो इतना छोटा सा रास्ता और साइड में जो खाई है ना, इट्स लाइक कंप्लीटली वर्टिकल, कुछ भी नहीं है। ओ वाह, चोपता से क्रॉस करने के बाद ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर के आसपास तो एकदम बढ़िया रोड था, मतलब सिल्की स्मूथ, बटरी स्मूथ जो बोलते हैं, बट उसके बाद से ये पूरा ऐसा ही है रोड। ऑलमोस्ट अभी और 20 किलोमीटर आ गए, इट्स जस्ट पास्ट 5 o'clock और सनसेट हो रहा है एक साइड में, और जो व्यू है सनसेट का, गोपेश्वर टाउन इज विजिबल, लुक एट दिस, सच अ ब्यूटीफुल साइट। ऐसे में गोप्रो में आपको दिखा नहीं पाऊंगा, मैंने अभी अभी इसका फोटो लिया है, ये फोटो देखो, अमेजिंग साइट है सनसेट का ये। इट्स 5:30 इन द इवनिंग एंड वी हैव रीच चमोली, ये चमोली गांव है। अब यहाँ से हम नदी पार करके उस तरफ जो पैरेलल चल रहा है जो कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ वाला हाईवे, उसको कनेक्ट करेंगे। बस आधा घंटा और सारा उजाला फट से गायब। आधे घंटे पहले अच्छा खासा सब दिख रहा था, अभी अंधेरा होने लग गया है। वी आर स्टिल 40 odd kilometers बिहाइंड जोशीमठ, वे 40 किलोमीटर। एक तो ये बद्रीनाथ वाला हाईवे जिसपे पूरा काम चल रहा है, तो
कम से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे, 8 बज जाएंगे पहुंचने को। अभी एक काम करते हैं, जोशीमठ पहुंचते हैं, जोशीमठ में होटल ढूंढते हैं, रूम चेक इन करते तो जनाना चिट्टा सांगून तरी ऐसा खड्डे नहीं। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, रूम चेक इन करते हैं और फिर रूम नहीं मिलते हैं सीधा। ओके तो अभी यहाँ से 40 किलोमीटर का लॉन्ग जंप इन 3, 2, 1 एंड नाउ। एग्जैक्टली 8 o'clock इन द इवनिंग वी हैव रीच्ड हियर इन जोशीमठ। उसके बाद रूम चेक इन करके फिर डिनर के लिए बाहर गए थे, डिनर वगैरह करके अभी वापस आए। इट्स अराउंड 10:30 राइट नाउ। द ओनली प्रॉब्लम दैट वी हैव फेस्ड टिल नाउ ओवर हियर इज जोशीमठ में बहुत से ATM जो है आउट ऑफ ऑर्डर है। अभी होटल में भी सिर्फ कैश ही पे करना है और हमारे पास कैश कम है, तो कल सुबह उठ के बाइक लेके फिर पूरा मार्केट ढूंढना पड़ेगा कौन से ATM में कैश है, निकाल के लाना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर कमिंग दिस साइड, रिमेंबर कि यहाँ के ATMs पे भरोसा मत रखो, ATM कभी भी कहीं भी बंद हो सकते हैं। आज के दिन में खर्चा तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, सुबह हमने लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक ही साथ किया था, तो वी कैन कॉल इट अ ब्रंच, वो था 200 रुपये के आसपास। फिर 5:30-6 बजे शाम को चमोली में थोड़ा सा स्नैक्स किया था, दैट वॉज 130 रुपीज़ समथिंग। फिर चोपटा में सॉफ्ट ड्रिंक्स लिए थे सब पकड़ के, वो 200-400 रुपया। फिर यहाँ पे डिनर का गया 200-600 रुपया, टोटल 600 रुपीज़, और ये 800 रुपये का रूट, टोटल 1400 रुपये आज के दिन का खर्चा। उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। पेट्रोल आज के दिन में बिल्कुल भराया नहीं है, क्योंकि जो रुद्रप्रयाग के बाद पेट्रोल भराया था उसी में बाइक यहाँ तक आ गई, लेकिन अभी यहाँ से बद्रीनाथ जाने के लिए पेट्रोल भराना पड़ेगा। एनीवेज इट्स टाइम टू टेक अ नैप नाउ, कल सुबह उठ के यहाँ से निकलना है माना और बद्रीनाथ के लिए। आपको बद्रीनाथ जी के दर्शन इसी व्लॉग में होने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर। Good morning guys, it's 13th of October 2020, we are here in Joshimath and look at the surroundings here, such a beautiful setup. ये जो दो पहाड़ों के बीच में जो जगह है ना, वहाँ से हमें अंदर जाना है, इसके पीछे कहीं पे है बद्रीनाथ जी। लेकिन सुबह सुबह बहुत बड़ा पंगा हो गया है, look at this, ना फ्रंट डिस्क का पाइप फट गया है एंड इट्स लीकिंग ऑल द ऑयल, पूरा ऑयल रात भर में नीचे बह गया है एंड द ब्रेक इज नाउ टोटली निल, मतलब अभी अपनी गाड़ी में फ्रंट ब्रेक नहीं है। और यहाँ जोशीमठ में ये डिस्क बाइक मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अभी सबसे पहले तो इसके लिए कुछ तो जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। अभी ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे ना, तो सबसे पहले ढूंढेंगे अभी वहाँ पे कोई गैराज वगैरह मिलता है क्या। ऑनलाइन तो मैंने अभी सर्च किया बजाज की वेबसाइट पे, तो सीधा कर्णप्रयाग में सर्विस सेंटर बता रहा है, विच इज़ 110 किलोमीटर्स बिहाइंड, तो दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन। और यहाँ तक आने के बाद, दूसरी बार यहाँ तक आने के बाद माना और बद्रीनाथ बिना किए मुझे वापस नहीं जाना है, तो इन एनी केस मुझे बद्रीनाथ आज जाना ही है, तो कुछ भी जुगाड़ करेंगे, लेकिन यहाँ से तो आगे ही जाना है, पीछे नहीं जाना है। अपना मिशन सक्सेसफुल हो गया है, नया ब्रेक पाइप लग चुका है, डिस्कवर 150cc का पाइप सक्सेसफुली डन, वी आर रेडी टू रोल वंस अगेन। अभी बजे है ऑलमोस्ट 12, आधा दिन निकल गया इसमें, थैंक्स टू सलीम भाई, काम तो हो गया। अभी चलते निकलते हैं फटाफट बद्रीनाथ के लिए, बाइक पे मिलते हैं अभी। चलो इट्स गुड टू बी ऑन द रोड अगेन, ब्रेक इज वर्किंग फाइन नाउ, अच्छा हुआ वो डिस्कवर का बैठ गया इसमें, नहीं तो डोमिनार का मिलने का तो चांस ही नहीं था। वो बंदा तो बोल रहा है कि कर्णप्रयाग में भी डोमिनार का सामान मिलेगा, ये गारंटी नहीं है। बाय द वे डिस्कवर का भी नया नहीं है, उसके पास गैरेज में एक डिस्कवर खड़ी थी, उसका निकाल के उसने लगा दिया, बोला कि इसके लिए मैं वापस दूसरा ला दूंगा, डिस्कवर का तो मुझे मिल जाएगा कर्णप्रयाग में, लेकिन डोमिनार का आपको नहीं मिलेगा। आज का दिन कुछ खास है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते ही जा रहे हैं। अभी यहाँ पे जोशीमठ में ये इकलौता पंप है और यहाँ का पेट्रोल ख़त्म है, यहाँ से नियरेस्ट पंप है 17 किलोमीटर्स पीछे और वहाँ पे भी पेट्रोल नहीं है, और यहाँ से आगे बद्रीनाथ तक एक भी पंप नहीं है। अपने पास अभी जो है पेट्रोल उसमें समझो 70-80 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी, और बद्रीनाथ से यहाँ तक रिटर्न है 90 किलोमीटर्स। आज के दिन में देर इज अनदर अपडेट, एक्चुअली प्रियंका वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड अबाउट वो न्यूट्रल वाला जुगाड़, तो उसने सजेस्ट किया कि वापस चलते हैं होटल पे, रुक जाएंगे आज के दिन और कल सुबह उठ के जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम होटल पहुँचे, विमल जी सामने जो होटल के ओनर है, जैसे उनको पता चला कि क्या प्रॉब्लम है, वो बोले मेरी गाड़ी में से निकाल लो पेट्रोल। तो अभी अपने को 1 लीटर पेट्रोल मिल चुका है, अपना काम सॉर्टेड, वापस वी आर ऑन द वे टू बद्रीनाथ नाउ। अभी आधा दिन तो गया, लेकिन आधे दिन में हो जाएगा ना सर, जाके वापस आ सकते हैं ना। हाँ ठीक है ना, मतलब 8-9 बजे तक भी आएंगे तो सेफ है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, फिर फाइनली आई सपोज आज के दिन का चैलेंजेस का कोटा पूरा हो गया है।
सुबह से इसी चौराहे में गोल गोल घूम रहे। चले गए गैरेज ढूंढा, गैरेज बंद था, मंगलवार है, उसको फ़ोन किया, वो बोला आधे घंटे में आऊँगा। फिर वापस आए, नाश्ता किया, फिर गए यहाँ पे काम कराया, गाड़ी का काम जैसे ही हुआ नीचे गए, पेट्रोल पंप बंद, पेट्रोल नहीं मिला, फिर वापस आए होटल पे गए, पेट्रोल मिल गया, अभी वापस जा रहे हैं नीचे। सो अल्टीमेटली अब वापस नहीं आना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, यही है वो पेट्रोल पंप जिसने हमें रोकना चाहा। सो जस्ट 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जोशीमठ दिस प्लेस इज विष्णुप्रयाग, जो पंचप्रयाग है, जो पांच अलग अलग नदियों का संगम हो के गंगा नदी बनती है, उसमें से ये पहला प्रयाग है। ये जो लेफ्ट साइड से आ रही है दिस इज अलकनंदा रिवर, जो बद्रीनाथ से ओरिजिनेट होती है, और ये उस तरफ से जो आ रही है दैट इज धौली गंगा। ये पहला प्रयाग है, इसके बाद आगे और चार संगम है, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी रिवर का संगम होने के बाद वहाँ से आगे गंगा नदी के नाम से ये बहती है। सो दिस प्लेस हैज़ अ रिलीजियस इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये पहला संगम है पांच संगमों में से जिनका आगे जाके गंगा नदी बनती है। वेल दिस इज़ द रूट, यहाँ से हमें अभी उस तरफ जाना है, दैट इज़ द हाईवे टूवर्ड्स बद्रीनाथ, सो कॉल्ड हाईवे। एक्चुअली सी द रोड कंडीशंस, पूरा ये चारधाम प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है रोड की हालत ख़राब हो रखी है। लेट्स सी अभी और कितना टाइम लगता है, यहाँ से कुछ 35 किलोमीटर्स है और देखेंगे कितने टाइम में पहुँचते हैं। प्रयाग पे ड्रोन शॉट्स तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन इट्स अ बिट विंडी आउटसाइड टुडे, तो थोड़ा सा मुझे हेजिटेट हो रहा है ड्रोन फ्लाई करने को। एक तो अल्टीट्यूड, उसमें विंड, डेडली कॉम्बिनेशन ना बन जाए अपने छोटे से ड्रोन के लिए। सो दिस प्लेस इज गोविंद घाट, एज यू कैन सी यहाँ से राइट साइड में रूट जाता है हेमकुंड साहिब ऑफ और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। मतलब इनिशियली प्लान जो था उसमें वैली ऑफ फ्लावर्स का भी ट्रैक करना था, लेकिन जब ये कार से बाइक पे शिफ्ट हो गया प्लान तो फिर सब चेंज करना पड़ा। बाय द वे पहले यहीं से ट्रैक चालू होता था वैली ऑफ फ्लावर्स का, लेकिन अभी ये नया रोड बना है, तुलना गांव है 4 किलोमीटर यहाँ से आगे, वहाँ तक आपका व्हीकल चला जाता है। सो ट्रैक रूट इज़ रिड्यूस्ड बाय 4 किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर्स टू गो। द टाइम राइट नाउ इज 1 o'clock, और एक घंटे में पहुंच जाएंगे होपफुली। सो देयर इज दिस चेक पॉइंट आफ्टर गोविंद घाट, पुलिस चौकी लामगढ़, यहाँ पे आपका ई पास और थर्मल स्कैनिंग हो रहा है। ई पास चेक करते हैं, फिर थर्मल स्कैनिंग होता है आपकी सारी एंट्रीज, बाइक नंबर, आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स सब लिखवाने के बाद यू आर सेट टू गो। कहाँ कहाँ पे डैम बना रखे हैं इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स के लिए। हम लोग तो ऑलमोस्ट पहुँच गए इधर बद्रीनाथ, 10 किलोमीटर बचा है और यहाँ पे इतना बड़ा डैम बनाया हुआ है। यार वो सोनप्रयाग वाला रोड तो फिर भी ठीक था, ये माना वाला उससे भी खतरनाक है। बात लद्दाख जैसी नहीं है जहाँ पे रोड खराब ही होते हैं, यहाँ पे ये रास्ते के काम के चक्कर में खराब हो रखे है, खतरनाक। गाड़ी धोने वाला आइटम मस्त है यार। हम पहुंच गए बद्रीनाथ। ओके, यहाँ पे सिर्फ बाइक नंबर का एंट्री करानी है। बद्रीनाथ 1.5 और माणा 4 किलोमीटर। अभी बजे है एग्जैक्टली 2, मतलब अपने को 50 किलोमीटर आने में करेक्ट 2 घंटे लगे। वेल द सीन इज बद्रीनाथ मंदिर जो है वो 12 से 3 बजे तक बंद रहता है, एज आई हैव हर्ड इन जोशीमठ। तो 1 घंटा है अपने पास, 1 घंटे में माणा घूम आते हैं। एज दे से ऑल द हार्ड वर्क पेज ऑफ, इतना खराब रास्ता जो भी था सारी मेहनत करने के बाद लुक वेयर वी हैव रीच्ड द लास्ट इंडियन विलेज इन दिस रूट, उत्तराखंड के बॉर्डर पे। एग्जैक्टली बॉर्डर नहीं है, यहाँ से आगे और 50 किलोमीटर्स पे माणा पास है, लेकिन वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू आर्मी ओनली। बट दिस इज द लास्ट इंडियन विलेज माणा। एक्चुअली माणा विलेज में 2-3 प्लेसेस है देखने लायक, देर इज अ केव कॉल्ड वेद व्यास गुम्फा, देन देर इज ऑल्सो नेचुरल ब्रिज कॉल्ड भीमपुल, लेकिन वहाँ पे अभी जान ही नहीं दे रहे बिकॉज माणा विलेज के जो लोग हैं लोकल्स विलेजर्स
उन्होंने टूरिस्ट की एंट्री बंद कर रखी है कंसिडरिंग द कोविड सिचुएशन। तो अभी विलेज में एंट्री है नहीं, लेकिन यहाँ तक आके ज़िंदगी सफल हो गई ऐसा कह सकते हैं। दिस प्लेस वॉज इन माई ड्रीम्स, दिस प्लेस वॉज इन माई बकेट लिस्ट। कब से मैंने यहाँ पे ना गूगल मैप्स में अपना खुद के मैप्स में एक वॉन्ट टू गो करके लिस्ट बना रखी है, उसमें माना था। अभी यहाँ फाइनली ये एक प्लेस है जो वॉन्ट टू गो में से बाइक वाले लिस्ट में चली जाएगी। बाय द वे, एज आई सेड, दिस प्लेस इज जस्ट 3 किलोमीटर्स अहेड फ्रॉम बद्रीनाथ। बद्रीनाथ टाउन एंड टेम्पल इज ओवर देयर। 3 बजे अभी मंदिर खुलेगा तो 3 बजे जाके दर्शन करेंगे। टिल देन यहाँ की खूबसूरती एंजॉय करते हैं। लेफ्ट एवरीथिंग इन जोशीमठ ओनली, क्योंकि यहाँ से वापस जोशीमठ आज जाना है शाम को, तो सैडल बैग वगैरह लाए नहीं है और सारे थर्मल्स दोनों के सैडल बैग में है। और अभी यहाँ पे जो ठंड है, जो हवा चल रही है ना भाई, एक नंबर है। अभी जाते वक्त मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर ना रेनकोट पहनने पड़ेंगे, क्योंकि रेनकोट से मतलब इस वो एक्चुअल उसका जो नाम है ना विंड चीटर, वो विंड चीटिंग का काम करेगा रेनकोट शायद शाम को। लकीली रेनकोट इसमें है टैंक बैग में, सो वो काम हो जाएगा। इट्स पास्ट 3 o'clock, 3:05 हो रहे हैं, तो मंदिर खुल चुका होगा। बाय द वे, दिस इज़ वन थिंग दैट आई ऑब्जर्व्ड, 3 बजे तक यहाँ पे बहुत भीड़ थी, मतलब 3:45 तक। और जैसे 3 बजे मंदिर का दरवाज़ा खुलता है सबको मालूम है, तो 3:45 के बाद सब लोग निकल लिए। मतलब अगर आपको माना आना है ना और इस बोर्ड के साथ शांति से बिना भीड़ के फोटोज़ लेने हैं, तो 3 बजे के बाद आना। 12 से 3 के बीच में आओगे तो बहुत भीड़ मिलेगी यहाँ पे। वी हैव रीच्ड हियर एट बद्रीनाथ। गाड़ी पार्क कर ली है, यहाँ से कुछ 100-200 मीटर चल के जाना है। व्हीकल्स आर नॉट अलाउड बियॉन्ड हियर। ठंडी से मैडम ऑलरेडी बाहर हो गई। थर्मल्स ना लाने की गलती आज महंगी पड़ने वाली है। बद्रीनाथ में पहुँच के सबसे पहले तो पेट पूजा कर ली। आई नो दिस इज स्ट्रेंज बट दिस इज हाउ वी आर। भूख लग जाए तो बाकी कुछ सोचता नहीं है। दूध भी मिल गया और फिर वो मोदी जी के पकोड़े देखने के बाद ना रहा नहीं गया, बोले ये तो खाना है, अभी क्या है, मोदी जी के पकोड़े टेस्ट तो करनी चाहिए ना। नाउ दैट वी आर फुल, आपको थोड़े नज़ारे दिखाते हैं। ये है बद्रीनाथ जी का मंदिर सामने, और ये अलकनंदा रिवर बहती हुई।
पे तो बड़ी शांति से सुकून से दर्शन मिले। ये बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, हार्डली 5-10 लोग थे, लाइन तो थी नहीं है सच। डायरेक्टली वॉक इन टू द टेम्पल, थैंक्स टू द अथॉरिटीज़, बहुत अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। बस मंदिर के एंट्रेंस पे आपको कहाँ से आए हो, आपका नाम पता, और जो ई पास है चारधाम के लिए जो बनाया था, जो केदारनाथ में भी दिखाना पड़ा था हर जगह पे, उसी ई पास का सेम ई पास का नंबर बताना है, दैट्स इट, देयर इज़ नो द प्रोसीजर इन दैट। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसीजर ये है कि आपका मुंह और नाक ढका हुआ होना चाहिए, मास्क इज़ कंपलसरी, नहीं तो आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। मंदिर के अंदर तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन मंदिर के बाहर से वीडियो ले सकते हैं। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी हियर, बद्रीनाथ टेम्पल जस्ट बिहाइंड मी, आई एम क्रॉसिंग द रिवर ब्रिज राइट नाउ। द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू शो हियर इज दिस, यहाँ पे भी गर्म पानी के झरने हैं जहाँ पे वो लोग नहा रहे हैं ना सब लोग, दोज आर हॉट वाटर स्प्रिंग्स। बाजू से अलकनंदा रिवर बह रही है जिसमें फ्रीजिंग चिल्ड पानी है और उसको लग के बॉइलिंग हॉट पानी के झरने हैं। यू नो वी कैन नेवर इमेजिन द वंडर्स दैट नेचर कैन क्रिएट। बजे है शाम के 5 और हम है बद्रीनाथ जी के पार्किंग में। अभी यहाँ से वापस निकल के जोशीमठ तक जाना है 50 किलोमीटर्स। एज यू ऑलरेडी नो, हम एकदम क्रंच पेट्रोल सिचुएशन में आए हैं, बाइक का जो लास्ट पेट्रोल इंडिकेटर है वो अभी अभी गायब हुआ है, सो इट्स लाइक रिजर्व भी ख़त्म हो गया है। इसमें मैक्सिमम मैंने आज तक चलाया है 30 किलोमीटर्स, लेकिन आज 50 चलाना है, देखेंगे क्या होता है। आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा कि हम जोशीमठ पहुँचे या नहीं पहुँचे, बीच में कहीं रुकना पड़ा, क्योंकि अगला जो व्लॉग होगा वो हमारा नेक्स्ट ऑनवर्ड जर्नी का होगा। बाय द वे, ऑनवर्ड जर्नी कहाँ की है वो हमें अभी तक पता नहीं है, 2-3 ऑप्शंस है रूट्स के, उसमें से एक हमें आज रात को डिसाइड करना है, लेकिन उससे पहले जोशीमठ पहुँचना है। देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचते हैं, जोशीमठ पहुँच पाए तो अच्छी बात है, नहीं पहुँच पाए तो आपको अगले व्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं श्री बद्री विशाल जी के आशीर्वाद के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।